हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा उपाध्याय हैंडीक्राफ्ट। आज यहाँ पर मैं एक छोटा सा पैटर्न लेकर आई हूँ। यहाँ पर ये 3 कलर्स में मैंने बनाया है। देखिए, छोटे छोटे ये जो हैं वो बूटे हैं, छोटे छोटे। ये बच्चों के स्वेटर्स के लिए है, या आप किसी भी स्वेटर्स में बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने बच्चे के स्वेटर्स के लिए बनाया है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ऑरेंज, ग्रीन और पिंक 3 कलर्स में उल लिया है। 12 फंदा मैंने यहाँ पर लिया है। और ये देखिए, 2 सिलाई में ये एक डिज़ाइन जो है रेडी हो जाएगा। ये डिज़ाइन है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 12 फंदे ले लिए हैं। और अभी यहाँ पर 2 फंदा ग्रीन से बुनना है। 2 सिलाई मैंने ऑरेंज से बुन लिया है, आगे से सीधा और पीछे से उल्टा। फिर 2 फंदा यहाँ पर ऑरेंज को बिना बुने उतार लेना है। फिर यहाँ पर 2 फंदा ग्रीन बुनना है। फिर यहाँ पर 2 फंदा ऑरेंज को बिना बुने उतार लेना है। फिर 2 फंदा ग्रीन बुनना है। फिर यहाँ पर 2 फंदा ऑरेंज को बिना बुने उतार लेना है। अब यहाँ पर पिंक उल लेना है। अब देखिए क्या करना है, पिंक जो है, ऑरेंज जो है, इसे उतार लेना है। पिंक यहाँ पर मैंने ले लिया है, फंदा को पीछे करना है और यहाँ पर 2 फंदा उल्टा बुनना है। फिर उल को आगे करना है और 2 फंदा ऑरेंज जो है उसे उतार लेना है। 2 फंदा जो ऑरेंज है उसे बिना बुने उतारना है। फिर उल को पीछे करना है और यहाँ पर 2 फंदा जो ग्रीन है इसे सीधा बुन लेना है। फिर उल आगे करना है, 2 फंदा ऑरेंज को बिना बुने उतारना है, उल को पीछे करना है और यहाँ पर 2 फंदा सीधा बुन लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है। अभी यहाँ पर ऑरेंज से बुनना है 2 सिलाई, 1 2 3 4, पूरा आगे से बुनना है सीधा और पीछे से बुनना है उल्टा। 2 सिलाई यहाँ पर बुन लेना है, 1 सिलाई, 2 सिलाई। पीछे से पूरा उल्टा बुन लेना है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है। अब यहाँ पर 2 फंदा ऑरेंज उतार लेना है बिना बुने। फिर यहाँ पर पिंक बुनना है सीधा। फिर देखिए क्या करना है, कहाँ पर बनेगा ये डिज़ाइन। जहाँ पर डिज़ाइन बना है वहाँ पर ऑरेंज फंदा उतार लेना, और जहाँ पर ऑरेंज फंदा उतरा है वहाँ पर डिज़ाइन बनेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 2 फंदा पिंक बुन लेना। पिछला बार ग्रीन से बुनना था फर्स्ट सिलाई जो है, और अभी पिंक से बुनना है। फिर 2 फंदा ऑरेंज उतारना, फिर 2 फंदा पिंक बुनना है, फिर 2 फंदा ऑरेंज उतारना, फिर 2 फंदा यहाँ पर पिंक बुन लेना। अब यहाँ पर 2 फंदा ग्रीन सीधा बुन लेना है। फिर उल आगे करना है और यहाँ पर 2 फंदा ऑरेंज को उतार लेना है। फिर उल पीछे करना है, 2 फंदा ग्रीन बुन लेना है। फिर उल आगे करके ऑरेंज उतारना है बिना बुने। फिर 2 फंदा यहाँ पर ग्रीन बुनना है। फिर वो लगे करके 2 फंदा ऑरेंज बुन लेना है। देखिए यहाँ पर ऐसे ही बनेगा, एक डिज़ाइन यहाँ बनेगा जहाँ पे बना है, फिर यहाँ पर जब जहाँ पर नहीं बना वहाँ पर दूसरा डिज़ाइन बनेगा। फिर अभी 2 सिलाई बुन लेना है ऑरेंज से, आगे से भी और पीछे से भी। अब देखिए यहाँ पर एक बार और मैं आपको ये डिज़ाइन रिपीट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए क्या करना है, एक बार ग्रीन से स्टार्ट होगा और एक बार पिंक से, फिर ग्रीन से ऐसे करके स्टार्ट होगा। फिर अब देखिए, जहाँ पर डिज़ाइन नहीं बना है वहाँ पर डिज़ाइन बनेगा। 2 फंदा ग्रीन से बुनना है, 2 फंदा ऑरेंज को बिना बुने उतारना है। फिर 2 फंदा ग्रीन से बुनना है, फिर 2 फंदा बिना बुने उतारना है। फिर 2 फंदा ग्रीन से, फिर 2 फंदा को बिना बुने उतार लेना है। फिर ये है ना काफ़ी इजी डिज़ाइन, इसे कोई भी इजिली बना सकता है। फिर यहाँ पर देखिए, 2 फंदा ऑरेंज
उतारना है। फिर ऊल को पीछे करके दो फंदा ग्रीन को सीधा बुनना है। फिर ऊल को आगे करना है, दो फंदा ऑरेंज उतारना है। फिर ऊल को पीछे करके दो फंदा सीधा बुनना है। ऊल को आगे करके ऑरेंज को उतारना है। फिर ऊल को पीछे करके दो फंदा ग्रीन को पिंक से बुन लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये डिज़ाइन, छोटा सा जो डिज़ाइन का पैटर्न है ये रेडी हो गया है। देखिए कैसे बनेगा, काफ़ी इजी है इसे बनाना। और यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर, फिर इन दोनों के बीच में एक, फिर जहाँ पर पहला डिज़ाइन है वहाँ पर तीसरा डिज़ाइन, फिर जहाँ पर दूसरा डिज़ाइन है वहाँ पर चौथा डिज़ाइन, ऐसे करके डिज़ाइन आगे बढ़ते जाएगा। आप इसे ट्राई करिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।